दोस्तों ये है मेरे नींबू का प्लांट जो कि आप देख सकते हैं कितना हेल्दी है, कितना बुशी है, किस तरीके से मैं इसकी केयर करती हूँ। आज मैं आपको उसको इसकी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो की एक एक चीज देखिए जिससे मैं कि आप जानेंगे कि इसमें किस तरीके से इसको सनलाइट चाहिए, किस तरीके की मिट्टी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर मैं इसमें ऐड करती हूँ, कब मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि हमारे नींबू के प्लांट में नींबू नहीं आ रहे। दोस्तों सबसे बड़ी बात, नींबू का प्लांट हमेशा लाइए ग्राफ्टेड प्लांट, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट में ही आपको नींबू मिलेंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल बीज से ग्रो करेंगे ना प्लांट, तो उसमें नींबू नहीं आएंगे। लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं उसमें फ्रूटिंग होने में। तो आप अगर गार्डनिंग करते हैं, वो भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट लाइए। ग्राफ्टेड में भी बहुत सारी वेरायटी आती है दोस्तों, सदाबहार आती है, बारहमासी आती है, और आपकी क्या कहते हैं कागजी नींबू आता है आपका, ये देसी वेरायटी भी है, ये भी ग्राफ्टेड है इसका। तो ऐसी बहुत सारी वेरायटियाँ हैं जो कि आपको नींबू में मिलेगी। और देख के लाइए कि हमेशा नींबू लगा हो, फ्रूट्स वगैरह आ रहा हो। ये नहीं कि माली ने वहाँ पे झूठ बोल दिया कि आप इस प्लांट को ले जाइए, इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी या भर भर के आपका फ्रूटिंग होगी, तो उस प्लांट को आप मत लेके आइए। इस तरीके से आप देख के लेके आइए। दूसरा दोस्तों, इस प्लांट को क्या चाहिए, इसको चाहिए सनलाइट। इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग देगा, फ्लावरिंग भी देगा, और इस तरीके से हेल्दी भी रहेगा। दोस्तों अगर आप अपने प्लांट को घना बनाना चाहते हैं ना, तो उसकी प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं ये वाली ब्रांच थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही है, तो मैं ना अपने प्लांट को ये देखिए इस तरीके से यहाँ से कट कर दूंगी। दोस्तों आप एक जगह से कट करते हैं तो यहाँ से ना आपके 2 शूट्स आती है, दो टहनियाँ आती है, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल घना हो जाता है, और आपके प्लांट की ना शेप भी अच्छी आती है। अगर आपको लगता है लेंथी लेंथी कोई ब्रांच आ रही है, तो उसको कट कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ही अच्छे फूल आएंगे, उतने ही अच्छे फल आएंगे। क्योंकि दोस्तों जब इसमें फूल आते हैं ना, एक चीज़ और दोस्तों, जब इसमें फूल आते हैं तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ना आप इसमें कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो फूल है ना वो नीचे ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उससे क्या होगा आपके इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और इसकी जो मिट्टी है मॉइस्ट रखिए, ड्राई मत होने दीजिए, मगर सॉगी भी मत रखिए। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे ना, अगर भर भर के पानी दे देंगे, तो इसमें कभी फ्लावरिंग नहीं होगी और कभी इसमें फ्रूटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो ये ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि इस नींबू के प्लांट में दिक्कत आती है लोगों की। तो आप हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट लीजिए और इस तरीके से उस प्लांट की केयर कीजिए। और दोस्तों मैं इसे कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे इस प्लांट में ना दोस्तों 2 से 3 नींबू हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए एक तो ये लगा हुआ है और आप ये देखिए एक ये भी लगा हुआ है इस टाइप से। तो ये 2 नींबू लगे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि इसमें भर भर के नींबू आए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी वेराइटी है जिसमें बहुत अच्छे से नींबू लद लद के आते हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी केयर करूंगी और मैं कौन सा फर्टिलाइजर ऐड करूंगी। और दोस्तों एक खास बात इसमें और है, जब आप इसकी प्रूनिंग करना चाहें ना, तो प्रूनिंग करने का भी एक अपना टाइम होता है। अगर आप जून जुलाई की कड़ी गर्मी में प्रूनिंग करेंगे तो वो गलत है। आप हमेशा इसकी बरसातों में प्रूनिंग कीजिए। सेकंड, आप इसकी फरवरी में प्रूनिंग कर सकते हैं जब इसका ग्रोइंग टाइम होता है। तो मैं दोस्तों इसको ना ये फर्टिलाइजर दूंगी, आप देख सकते हैं ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर है, ये मैं इसको यूज करती हूँ। ये आप फ्लावरिंग प्लांट पे भी यूज कर सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स में और वेजिटेबल प्लांट्स में, तीनों में यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें कि न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आपके प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, फ्रूट्स में फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स लाते हैं। दोस्तों आप फ्लिपकार्ट में ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर सर्च कीजिए, आपको ये प्लांट सीड बाजार से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। आप इसको, मैं इसको आज अपने नींबू के प्लांट में दूंगी और इसका जादुई प्रभाव देखना आप इसका। मैं इसको अपडेट भी दूंगी कि कैसा इसका अपडेट रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कर लेंगे हल्की हल्की गुड़ाई इस तरीके से, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। दोस्तों आप मिट्टी देख रहे हैं दोस्तों कैसे निम नम बना रखी है मिट्टी, तो इसके लिए बेस्ट मिट्टी है, बहुत ज्यादा इसको ड्राई नहीं होने देना है। इस तरीके की इसको मिट्टी जो है ना वो पसंद है। मिट्टी हमेशा वेल्ड्रिन बनाइए। देखिए जैसे कि मेरी मिट्टी देख रहे हैं कितनी भुरभुरी है, तो इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें भी सैंड की मात्रा अगर आप डालेंगे तो आपकी मिट्टी इसी तरीके की रहेगी। और इसमें ना दोस्तों मैं डालूंगी ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर जो कि इसके लिए एक मैजिक का काम करेगा। तो ये देखिए दोस्तों एक मुट्ठी मैंने डाल दी है, थोड़ा जड़ से मैं दूर ही डालती हूँ फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से आप डालिए, शाम के टाइम डालिए। और ये देखिए दूसरी मुट्ठी। तो इस तरीके से मैं अपने एक प्लांटर में, मेरा 14 इंची का प्लांटर है, तो मिनिमम इसको 14 इंची का प्लांटर दीजिए आप, और मैक्सिमम आप इसको कितना भी बड़ा दिया, आप 18 इंची का प्लांटर भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये एक फर्टिलाइजर ऐसा है जो कि आपके भर भर के फ्रूटिंग करेगा अगर आप नींबू लेना चाहते हैं अपने प्लांट से। दोस्तों आप एक सीट और बता देती हूँ, दिसंबर के टाइम
ना आप अपने नींबू के प्लांट में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उसको डिजोल्व करके और उसका छिड़काव ना इसके पत्तों में कीजिए। दोस्तों ध्यान रहे, मिट्टी में नमक नहीं जाना चाहिए, ऑनली इसके पत्तों पत्तों पे आप हल्का हल्का छिड़काव कीजिए शाम के टाइम, तो आप इसमें देखेंगे भर भर के फ्लावरिंग होगी और भर भर के फ्रूटिंग होगी। तो की जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।